हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के तहत आपकी प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हमने आपके अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के तहत प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 और इससे पहले का जो भी बेसिक था उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उसी कड़ी में आज हम प्रश्नवाली 3.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रश्नवाली को हल करने से पहले, जैसा कि हमारा नियम है, हम सबसे पहले इस प्रश्नवाली से संबंधित जो भी बेसिक है उस बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्नवाली की तरफ, ताकि प्रश्नों को हल करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, जिनकी हमें आपकी प्रश्नवाली 3.3 को हल करने में जरूरत पड़ेगी। तो देखें, सबसे जो पहला प्रकार है वो है समलंब चतुर्भुज। कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। इसकी परिभाषा क्या है? तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म मतलब एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर होता है। भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर। अब देखो, समांतर का मतलब क्या है? समांतर का मतलब यह है कि भुजाओं का एक ऐसा जोड़ा जो आपस में कैसी हो, दो समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? सम धन अंतर। देखो, सम धन अंतर यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो सदैव और सदैव कैसी रहती है? समान होती है। इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। जैसा कि पहले वाले चित्र में आपको दिख रहा है कि ये ए बी भुजा सी डी भुजा के क्या है? सी डी भुजा के समांतर है। ए बी भुजा समांतर है कौन सी भुजा के? सी डी भुजा के। ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो सदैव और सदैव क्या होगी? समान होगी। इस वजह से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है। इसी तरह आकृति नंबर 2 में देखो, ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको, ये दोनों भुजाएं कैसी है? आपस में समांतर है। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि पी क्यू भुजा किसके हैं? आर एस भुजा के समांतर है। पी क्यू भुजा आर एस भुजा के क्या है? समांतर है। इसी तरह तीसरे चित्र के अंदर यहां पर देखो, जो ए बी भुजा है, ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है, ये वाली भुजा किस भुजा के? आपकी सी डी भुजा के क्या है? समांतर है। तो ए बी भुजा सी डी भुजा के क्या है? समांतर। इसी तरह अगले चित्र के अंदर मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर और एस। तो यहां पर जो पी क्यू भुजा है वो आपके आर एस भुजा के क्या है? समांतर है। तो यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज की परिभाषा हमने पिछली क्लास में देखी थी कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहां पर ये जो चारों आकृति हमने पढ़ी, ये क्या है? समलंब है, क्योंकि इनके अंदर कम से कम भुजाओं का एक जोड़ा क्या है? समांतर। अब देखो साइड के अंदर जो आपको दूसरे चित्र दिख रहे हैं, ये आपस में समांतर यानी इनके अंदर भुजाओं का एक भी जोड़ा समांतर नहीं है। देखो, पहली आकृति भी समलंब नहीं है, दूसरी आकृति, ये दूसरी आकृति भी क्या नहीं है? दूसरी आकृति भी आपकी समलंब नहीं है, है ना? और आपकी तीसरी आकृति भी समलंब नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भुजाओं का जो एक युग्म या जो जोड़ा होता है वो क्या नहीं है? वो आपका समलंब नहीं है। अब कहोगे कि सर, दूसरी आकृति में तो दिख रहा है, लेकिन भाइयों यहां पर कितनी भुजा देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 भुजा है ना? और 5 भुजा है, तो यानी कम से कम इसमें कितनी भुजा होनी चाहिए थी? 6 भुजा होनी चाहिए थी, तभी भुजाओं का एक युग्म क्या होता? तभी भुजाओं का एक युग्म आपका समांतर होता। यहां पर भुजाओं का एक युग्म में समांतर तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है? ये आपका एक चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। ये क्या है आपका? ये आपका एक बहुभुज है। क्या है? ये आपका एक बहुभुज है। और हमें पता है कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। लेकिन दूसरी बात के लिए, आकृति के अंदर कितनी भुजाएं हैं? आपकी 5 भुजा है। ये 5 बहुभुज है, इस वजह से ये आपका समलंब चतुर्भुज नहीं है। ठीक, तो हमने यहां पर क्या देखा कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है
जिसमें भुजाओं का एक युग्म यानी एक जोड़ा कम से कम क्या होता है, समांतर होता है। आगे बढ़ते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज या जिसे हम कहते हैं पतंग, इसकी विशेषता क्या है? तो देखें, पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। क्या है? पतंग आपका एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी यहां पर पतंगाकार चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, आपकी कम से कम दो आसन्न भुजाओं का युग्म क्या होता है, कम से कम दो आसन्न भुजाओं का युग्म पाया जाता है। यहां पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं के कम से कम कितने जोड़े मौजूद हैं, यहां पर दो जोड़े मौजूद हैं। आसन्न भुजाओं के कम से कम कितने जोड़े मौजूद होते हैं, आसन्न भुजाओं के कम से कम दो जोड़े यहां पर मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको पहली आकृति में दिख रहा होगा कि आसन्न भुजा कौन कौन सी है, तो आपकी देखो बी सी भुजा, ये देखो बराबर है किसके, सी डी भुजा के। तो आपकी बी सी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा बराबर है सी डी भुजा के। और ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा बराबर है ए डी भुजा के। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पतंगाकार जो आपका चतुर्भुज है उसमें आसन्न भुजाओं का जो युग्म पाया जाता है वो क्या होते हैं, वो आपस में समान होता है। ठीक है, इन आसन्न भुजाओं के दो युग्म हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पतंगाकार चतुर्भुज के अंदर आसन्न भुजाओं के दो युग्म, आसन्न भुजाओं के दो युग्म समान लंबाई के होते हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, जैसे पहली आकृति में देखो, पहली आकृति में ए बी भुजा और ए डी भुजा कौन सी भुजा है, आसन्न भुजा। अब आप कहोगे कि सर आसन्न भुजा क्या होती है, ये तो समझाओ। देखे, आसन्न भुजा की परिभाषा लिख लेता हूं। आसन्न भुजा देखो, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी और बी सी और सी डी। अब इसको हमने आसन्न भुजा क्यों कहा, क्योंकि जहां पर एक भुजा समाप्त हो रही है वहीं से दूसरी भुजा शुरू होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि जहां पर एक भुजा क्या होती है, समाप्त होती है, वही से दूसरी भुजा क्या होती है, वही से दूसरी भुजा शुरू होती है। जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वही से दूसरी भुजा क्या होती है, वही से दूसरी भुजा शुरू होती है। अतः ऐसी भुजाओं को हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजाएं। देखो बी सी भुजा ये कहां पर समाप्त हो रही है, सी पे, और सी डी भुजा दूसरी भुजा कहां से शुरू हो रही है, सी से ही शुरू हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आसन्न भुजा। इसी तरह बी ए ये वाली भुजा ए पे खत्म हो रही है, तो ए पे खत्म हो रही है, ए से दूसरी भुजा शुरू हो रही है ए डी, तो ए बी और ए डी ये कौन सी भुजा होगी, आपकी आसन्न भुजा। तो पतंगाकार आकृति के अंदर आसन्न भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। जैसा कि दूसरी आकृति में दिख रहा है, जैसे यहां पर मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर और एस, तो यहां पर देखो पी एस भुजा बराबर होगी एस आर के, और पी क्यू भुजा ये बराबर होगी क्यू आर के। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म क्या है, बराबर है। इसी तरह तीसरी आकृति देखो, मैं नाम दे देता हूं फिर से ए बी सी और डी, तो यहां पर देखो ए बी बराबर होगा बी सी के और ए डी बराबर होगी डी सी के। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म क्या है, आसन्न भुजाओं के जो युग्म बराबर है। अतः ये कौन सी आकृति होगी, आपकी पतंगाकार चतुर्भुज। फिर यहां पर देखो ये पतंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये आसन्न भुजाएं नहीं है आपस में, क्योंकि बीच के अंदर एक दूसरी भुजा आ गई। साथ ही साथ ये चतुर्भुज भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कितनी भुजा है, पांच भुजा है।
फिर दूसरी आकृति क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, ये आसन्न भुजाएं नहीं है। तीसरी आकृति के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर तीन भुजा आपस में बराबर है, क्रमशः आसन्न भुजाओं की दो युग्म आपके क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इस वजह से ये पतंगाकार आकृति नहीं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है। देखो नाम बता रहा है समांतर चतुर्भुज, यानी ये क्या है, ये आपका एक चतुर्भुज ही है। इसका संबंध किससे है? समांतर रेखाओं से, क्योंकि नाम में ही आ गया समांतर, तो इस चतुर्भुज का संबंध किससे है? समांतर रेखाओं से है। अब देखो, अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह समांतर रेखाओं के दो युग्म से मिलकर बनी है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर समांतर रेखाओं के दो युग्म पाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर आपके समांतर रेखाओं के कितने युग्म पाए जाते हैं? समांतर रेखाओं के दो युग्म पाए जाते हैं, जबकि समलंब में कितना था? समलंब के अंदर समांतर रेखाओं का एक युग्म मौजूद था। समांतर रेखाओं के दो युग्म क्या होते हैं? समांतर रेखाओं के दो युग्म मौजूद होते हैं। समांतर रेखाओं के दो युग्म मौजूद होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं, वो कैसी होती है? वो आपकी समांतर। सबसे सरल परिभाषा क्या है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, वो कैसी होती है? समांतर होती है। देखे जैसा कि आकृति नंबर एक में आपको दिख रहा होगा, यहां पर ए बी भुजा किसके समांतर होगी? ए बी भुजा समांतर होगी बी सी के, और जो ए डी भुजा है वो किसके समांतर होगी? ए डी भुजा समांतर होगी बी सी के, ठीक है। फिर यहां पर देखो दूसरी आकृति के अंदर, यहां पर क्यू पी, क्यू पी किसके समांतर है? एस आर के, और क्यू एस किसके समांतर है? पी आर के। फिर देखो तीसरी आकृति में एल एम किसके समांतर है? ओ एन के, और एल ओ किसके समांतर है? एम एन के। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती है? समांतर होती है। फिर देखो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर इनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, पहली आकृति में ए बी सी डी के समांतर जरूर है, लेकिन ए सी है वो बी डी के समांतर नहीं है, इस वजह से ये आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं है। दूसरी आकृति में कोई भी भुजा आपस में सम्मुख भुजा है वो समांतर नहीं है। तीसरी आकृति के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ए बी भुजा ई डी भुजा के समांतर है, और बी सी भुजा किसके समांतर है? आपके बी सी भुजा एफ ई के समांतर है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कितने भुजा हैं? इसके अंदर पांच भुजा हैं, इस वजह से यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समांतर होती है। अगली विशेषताओं की बात करें, समांतर चतुर्भुज के अवयव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजाएं। तो देखिए आमने सामने की भुजा कौन सी है? ए बी भुजा। ए बी भुजा के सामने कौन सी भुजा है? सी डी भुजा या डी सी भुजा। तो ए बी भुजा और सी डी भुजा आपस में कैसी होगी? समांतर होगी। ए बी भुजा और डी सी भुजा आपस में समांतर होगी। फिर ए डी भुजा किसके समांतर होगी? बी सी भुजा की, क्योंकि ये इसकी सम्मुख भुजा है। फिर आगे सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा? कोण सी। और कोण डी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण बी। तो कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, और कोण बी और कोण डी क्या है? आपके सम्मुख कोण है। आगे बात करें आसन्न भुजाओं की, तो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखो ए बी और आपका बी सी। क्यों? क्योंकि जहां पर ए बी भुजा समाप्त हो रही है वहीं से बी सी भुजा शुरू हो रही है। फिर बी सी और सी डी, बी सी और सी डी भुजा, यहां पर आगे लिखा है बीसी और सीडी भुजा, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि जहां पर बीसी भुजा समाप्त हो रही है वहीं से सीडी भुजा शुरू हो रही है। फिर सीडी भुजा और डीए भुजा, कौन सी भुजा? सीडी भुजा और डीए भुजा, क्योंकि जहां पर सीडी भुजा समाप्त हो रही है वहीं से डीए भुजा शुरू हो रही है। और फिर डीए भुजा और एबी भुजा, क्योंकि जहां पर डीए समाप्त हो रही है वहीं से आपकी एबी क्या हो रही है? शुरू हो रही है। तो आसन्न भुजाओं के कितने जोड़े मौजूद है यहां पर? चार। कौन कौन से? मैं फिर से लिख लेता हूं, ए बी, ए बी एंड बी सी, फिर बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, फिर डी ए, डी ए एंड ए बी, ठीक है। और एक हम क्या भूल गए, सी डी और डी ए, सी डी एंड डी ए, ये आसन्न भुजाओं के चार जोड़े यहां पर मौजूद है, ठीक। आगे बात करते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण देखो कौन कौन से हैं, कोण ए और कोण बी, क्योंकि दोनों ही उभयनिष्ठ भुजा के अंत पर बने हैं, है ना। ए कोण देखो, ए बी भुजा और बी सी भुजा, इन दोनों के अंदर ये जो बी बिंदु है ये क्या है आपका? उभयनिष्ठ है। तो ए बी भुजा और बी सी भुजा कौन सी है? आसन्न भुजा है। तो देखो कोण ए और कोण बी कौन से कोण है? आसन्न कोण, क्योंकि दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत पर बने हुए हैं। फिर कोण बी और कोण सी और कोण डी और कोण डी और कोण ए, ये सब क्या है आपके? आसन्न कोण। क्या कौन से कोण है? आसन्न कोण, जो क्रमशः एक ही भुजा के दोनों किनारों पर बने हुए हैं। आगे बात करें समांतर चतुर्भुज के गुण की, इसकी बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणों की। देखो सबसे पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर माप की होती है, यानी ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर होगी और ए डी भुजा आपकी बी सी भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। जैसे ए बी भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है तो सी डी भुजा भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यदि ए डी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भुजा भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। यानी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर माप की होती है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी जितना कोण ए होगा उतना का उतना कोण सी होगा और जितना कोण बी होगा उतना का उतना क्या होगा? कोण डी होगा। तो दूसरी विशेषता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे बात करें समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक, यानी कि संपूरक का मतलब है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर आसन्न कोण कौन कौन से थे? कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कोण सी और कोण डी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और कोण डी और कोण ए, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगला गुण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में विभाजित, समान दो भागों में विभाजित, समान दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं कौन कौन से हैं यहां पर? एक तो विकर्ण आपका ए सी है, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, तो कौन सा है? ए सी। और एक कौन सा है आपका? डी बी। तो ए सी विकर्ण कौन से हैं? ए सी एंड डी बी, ये दोनों विकर्ण हैं। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेदी बिंदु पर जहां पर काट रहे हैं वहां से दो समान भागों के अंदर विभाजित करेंगे। यानी देखो एओ, एओ, एओ किसके बराबर होगा? ओ सी के। और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ बी बराबर होगा ओ डी के। तो समांतर चतुर्भुज के चार सबसे महत्वपूर्ण गुण हो गए, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण गुण है आपके समांतर चतुर्भुज के। तो हमने प्रश्न वाले 3.3 से पहले का जो भी बेसिक था उसको हमने यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न वाले की तरफ, जहां पर हम प्रश्नों को इन्हीं बेसिक्स का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना सीखेंगे। देखें सबसे पहले प्रश्न संख्या एक,
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा क्या करना है? पूरा करना। सबसे पहले हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। यानी ए बी भुजा, ए बी भुजा किसके बराबर होगी? ए बी भुजा बराबर होगी सी डी भुजा की। और ए डी भुजा, ए डी भुजा किसके बराबर होगी? बी सी भुजा के बराबर होगी। पहला गुण हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। फिर आगे हमने पढ़ा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। फिर हमने क्या देखा कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और अगला गुण क्या था कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए किसके बराबर होगा? ओ सी के। और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। ये चीजें अभी हमने पीछे बेसिक के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो सबसे पहले देखो, ए डी भुजा, ए डी भुजा ए डी किसके बराबर होगी? बी सी भुजा के बराबर होगी। तो यहां पर आ जाएगा बी सी। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन ए डी बराबर होगी बी सी के। कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। कारण लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। बराबर माप की होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर माप की होती है। दूसरा, कोण डी सी बी, कौन सा कोण? कोण सी कोण किसके बराबर होगा? कोण ए के बराबर होगा। लिखेंगे कोण डी ए बी के। क्यों? कारण क्या है? लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे तीसरा, ओ सी, ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के। कारण क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समान दो भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक, आगे देखो चौथा, कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर ए और कोण डी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कारण क्या है? कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। यानी कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देखेंगे क्योंकि आपके समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का मतलब अगल बगल के कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक। संपूरक का मतलब है दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये था आपका प्रश्न संख्या एक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दो। निम्न समांतर चतुर्भुजों में, देखो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करके बताने। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। हमें देखो सबसे पहले पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी और कोण सी दोनों कौन से कोण है, आसन्न कोण, अगल बगल के कोण, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। लिख देंगे यहां पर ब्रैकेट में, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो हमें कोण सी का मान कितना मिल जाएगा, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री, कोण सी कितना आ गया आपका 80 डिग्री। अब देखो, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे लिखेंगे और कोण बी बराबर या कोण बी नहीं लिखना है आपको, तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण वाई बराबर कितना होगा 100 डिग्री। क्या लिखना है तो लिख लें, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी यानी कि वाई बराबर 100 डिग्री। क्यों, कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो कोण बी यदि 100 है तो कोण वाई या कोण डी कितना होगा, 100 होगा। इसी तरह कोण सी किसके बराबर होगा, कोण ए के बराबर। आगे लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए बराबर एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर सॉरी जेड, एक्स बराबर कौन सा होगा, एक्स बराबर होगा आपका जेड, एक्स बराबर जेड। इसको मैं मिटा देता हूं एक मिनट, एक्स बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर लिख देंगे आपका जेड, बराबर में कितना 80 डिग्री, है ना, ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। इसका कारण भी क्या है, सेम टू सेम जो हमने ऊपर लिखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यही हमें क्या करना था, यही हमें हल करके बताना था। तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ लास्ट में कि अतः एक्स बराबर कितना आया 80 डिग्री, वाई बराबर कितना आ गया 100 डिग्री, और जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर 80 डिग्री होगा। यही आपका क्या है, यही आपका हल है। आगे देखो प्रश्न संख्या दो का दूसरा, यहां पर देखो ध्यान से, तो x और 50, x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण क्या है, आसन्न कोण, क्या कारण है, आसन्न कोण यानी अगल बगल के कोण, और अगल बगल के कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहां से बच्चों x का मान कितना आ गया 130 डिग्री, कितना आ गया, x का मान आ गया 130 डिग्री। तो यदि देखो x 130 डिग्री है तो आपका y भी कितना होगा 130 डिग्री। तो यहां पर देखो x बराबर y बराबर 130 डिग्री, कारण क्या है, सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, और समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर देखो, फिर अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये 130 आ गया, ये कितना आ गया 50, और y का मान भी कितना आ गया 130, y का मान भी कितना आ गया, y का मान भी आ गया 130। अब z का जो ये वाला कोण है, ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि z और कोण x कौन से कोण है, आपके संगत कोण है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो देखो इस कोण का मैं कुछ नाम दे देता हूं, कोण m। तो देखो कोण m कितना होगा, m बराबर हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्यों, कारण है सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण। देखो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अब हमें पता है कि जो जेड है, जेड कौन सा कोण है, बाह्य कोण,
कौन सा कौन है? जेड है बाह्य कौन, बाह्य कौन, बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, ये हमने 3.2 में पढ़ा था है ना। या कह सकते हैं कि यहां पर क्या बन रहा है, सरल रेखीय युग्म बन रहा है, ये भी आप कह सकते हैं, वो भी तरीका सही है। तो देखो जेड बाह्य कोण है, तो जेड बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण कितना है 50 डिग्री, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री, कितना आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा आपका 130 डिग्री। ये हो गया आपके एक्स वाई और जेड का मान, एक्स का मान 130, वाई का मान भी 130 और जेड का मान भी 130। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दिया हुआ है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण, तो यहां पर लिख देंगे कि x बराबर 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अभी मैं समझाता हूं। शीर्षाभिमुख कोण, देखो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती हैं तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये आपस में बराबर होंगे, कोण एक कोण दो के बराबर होगा और कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। तो यहां पर देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। फिर आप ध्यान से देखोगे तो y, x और 3, 30 डिग्री, ये तीनों कोण, ये जो ऊपर आपका त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कहां पर? इधर देखो x, y और 30 डिग्री, यहां पर कौन सा नियम लगेगा? त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, कि त्रिभुज के तीनों योग कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से, अब देखो x का मान कितना है 90 डिग्री, y का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से मुझे y निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया 60 डिग्री, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 60 डिग्री है ना। अब देखो जितना कोण y है उतना का उतना कोण क्या होगा z होगा। कारण क्या है? यहां पर कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण, यानी कि देखो आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन रही है, इस तरह की उल्टा जेड, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाय कोण है, ये कोण कौन सा है जेड कोण। तो जब भी आपको ऐसी आकृति या ऐसी आकृति मिले तो ये जो कोण है ये आपस में क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो यहां पर लिख देंगे कोण जेड बराबर वाय बराबर 60 डिग्री, कारण लिखेंगे एकांतर कोण, कौन से कोण? एकांतर कोण। तो दो आपके पास सभी कोणों के मान आ गए, एक्स का मान आ गया 90, वाई का मान आ गया 60 और जेड का मान भी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न, दूसरे का चौथा। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। तो यहां पर देखो हम आसानी से लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि जेड बराबर कितना होगा 80 डिग्री, क्यों? कारण है संगत कोण, संगत कोण। अब देखो संगत कोण का मतलब क्या है कि यहां पर देखो दो समांतर रेखा है, इन दो समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा काट रही है, तो इसके इस सरल रेखा के एक ही तरफ के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा काटती है तो इस रेखा के एक और के जो कोण होते हैं, ठीक है, वो कोण कैसे होते हैं? वो आपके संगत कोण होते हैं। तो जितना कोण 80 है उतना का उतना क्या होगा कोण जेड। अब देखो यहां पर एक्स का मान हमें निकालना है तो एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे? आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एक्स बराबर कितना आ गया 100 डिग्री, एक्स बराबर 100 डिग्री, और वाई बराबर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण, कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। अगर आपको जेड वाला ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो ये जो आपका जेड है, एक्स है, एक्स कितना आया हमारे पास 100 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है तो ये क्या बनेगा सरल रेखिक युग्म, तो ये 100 डिग्री है तो कितना होगा 80 डिग्री। वैसे भी आप ज्ञात करके देख सकते हैं, वो भी तरीका आपका सही होगा। ये था आपका चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न। यहां पर देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले y का मान कितना होगा 112, क्योंकि ये 112 है तो ये भी कितना होगा 112, लिखेंगे y बराबर 112 डिग्री। कारण क्या है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक। फिर देखो, फिर यहां पर 40 y और x, ये क्या एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर देखो 40 40 डिग्री प्लस आपका y प्लस x बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से। तो यहां पर देखो 40 डिग्री, y का मान 112 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस 40 और 112 कितना हो गया 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 28 डिग्री। अब देखो जितना कोण एक्स है उतना का उतना क्या होगा, कोण जेड होगा, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है एकांतर कोण, जितना एक्स होगा उतना का उतना जेड होगा, ये एक्स है ये जेड है, लिखेंगे आगे जेड बराबर एक्स बराबर 28 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, कौन सा कोण? एकांतर कोण। यही हो गया आपका फल, ठीक। आगे बढ़े प्रश्न संख्या तीन की तरफ। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि, तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो देखें सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज इधर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? समांतर चतुर्भुज। देखो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज ही है, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सबसे पहली शर्त, पहली शर्त क्या है? देखो कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्या ये हो सकता है? बी और कोण डी, कोण बी ये रहा और कोण डी ये रहा, क्या दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है? हाँ हो सकता है, आयत के केस में और वृत्त के केस में, लेकिन हमेशा हो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। हम लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होगा, यह हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है। ये किसके केस में सत्य है? तो ये आपके वर्ग और आयत, इन दोनों के केस में क्या है? सत्य है, क्योंकि वर्ग और आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों के केस में ये बात सत्य है, ठीक है। बाकी के केस में ये बात सत्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन याद रखें आयत के केस में, आयत आपका क्या नहीं है, सॉरी हाँ आयत और वर्ग के केस में ये संभव है, बाकी के केस में ये संभव नहीं है। आगे देखो दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या दे रखी है? ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये सत्य है।
लेकिन ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। क्या ऐसा संभव है? तो हम कहेंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो दोनों कैसी होती है, वो सभी आपस में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन यहां पर देखो आमने सामने की भुजा बराबर नहीं बता रहा, इसका मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। देखो यहां पर आप चाहे तो दूसरा चित्र भी बना सकते हैं, दूसरा चित्र मैं इधर बना लेता हूं। जैसा प्रश्न में बोला है, ये ए, ये बी, ये सी और डी, ये दोनों भुजा बराबर बताई है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितनी बताई है, 4 सेंटीमीटर, और ये बताई है 4.4 सेंटीमीटर। तुम कहेंगे कि नहीं नहीं क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहां पर बराबर नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लेकिन यहां ए बी बराबर है सी डी के, बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तो सही है, लेकिन ए डी नॉट इक्वल टू है किसके, बी सी के, इस वजह से ऐसा संभव नहीं है। तीसरी स्थिति क्या दे रखी है कि कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री, क्या ये संभव है? देखो इसकी आकृति बनाते हैं हम, इसकी आकृति बना लेते हैं। ये कोण ए है और ये कोण सी है, ए बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री और सी बराबर दिया हुआ है 65 डिग्री, क्या ऐसा संभव है? तो हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर 70 डिग्री तथा कोण सी बराबर 65 डिग्री संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर बराबर नहीं दिए हुए, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर। तो देखो हमें ऐसी आकृति बनानी है जो चतुर्भुज तो हो लेकिन क्या नहीं हो, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो। तो देखो हम ऐसी आकृति कैसे बना सकते हैं, यहां पर हमने ये एक भुजा खींची, फिर हमने ये भुजा खींच दी, फिर हमने ये भुजा खींच दी और फिर हमने ये भुजा खींच। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली भुजा इसके क्या दिख रही है आपको, इसके बराबर दिख रही है, और ये वाली भुजा इसके बराबर दिख रही है। जैसे कोण ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहां पर देखो हमने ए कोण ये कितना बनाया है 110, और सी कोण भी कितना बनाया है 110। देखो सम्मुख कोण तो बराबर है, सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें एक तो कौन सी विशेषता लागू नहीं हो रही है कि आपके जो सभी सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर नहीं है, कोण बी और कोण डी ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। साथ ही साथ आपके जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण यहां पर संपूरक नहीं है, साथ ही विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित भी नहीं करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी आपका एक चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें जिसमें कोण ए बराबर कोण सी बराबर 110 डिग्री है, ठीक है, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है।
लेकिन यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बल्कि क्या हो सकती है, बल्कि यह एक पतंग हो सकती है, या पतंगा का चतुर्भुज हो सकता है, बल्कि क्या हो सकती है, बल्कि यह एक पतंग हो सकती है। ठीक, यह था आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, दो आसन्न कोणों का अनुपात, तो इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 2x। तो देखें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे माना चतुर्भुज के आसन्न कोण, माना चतुर्भुज के आसन्न कोण, यानी अगल बगल के कोण, आसन्न कोण क्या है, 3x और 2x है। कितने हैं, 3x और 2x। आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक। अगल बगल के कोणों का योग कितना होता है, 180। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक। अतः 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ा तो 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बटे में 5 बराबर 36 डिग्री। ठीक है, तो अब अतः एक कोण 3x बराबर 3 × 36 डिग्री बराबर कितना हो गया, 108 डिग्री। और दूसरा कोण, टू एक्स बराबर 2 × 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। अब हमें बाकी के सभी कोण ज्ञात करने हैं, तो ए बी सी और डी। ए कोण कितना आया, 108 डिग्री। आगे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी बराबर 108 डिग्री। कारण लिखेंगे सम्मुख कोण। इसी तरह कोण बी बराबर कोण डी बराबर 72 डिग्री, सम्मुख कोण। इस तरह हमारे पास इस चतुर्भुज के सारे कोण क्या हो गए, सारे कोण आ गए। बिल्कुल सरल था, हमने दोनों आसन्न कोणों को जोड़ा और बराबर में कितना रख दिया, 180 डिग्री। वहां से हमें x का मान मिल गया, x का मान मिला 36, 36 का 3 से गुणा तो 108, 36 का 2 से गुणा तो 72। फिर हमें पता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण a बराबर होगा कोण c के, कोण b बराबर होगा कोण d के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। देखो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। ये भी एक्स है और तो ये भी आपका कितना होगा, एक्स होगा, दोनों बराबर हैं। लिख लेते हैं माना माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण, प्रत्येक बराबर आसन्न कोण बराबर कितना, x। आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं।
समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी अगल बगल के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अतः एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 भाग 2, x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे आगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः प्रत्येक आसन्न कोण की माप कितनी है? 90 डिग्री। अतः प्रत्येक आसन्न कोण की माप 90 डिग्री है, क्योंकि देखो x का मान 90 डिग्री आया है, ये 90 है तो ये भी 90 है और b 90 है तो आपका d भी 90 है, यानी कुल मिला के क्या होगा, ये आपका एक वर्ग होगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 7। संलग्न आकृति HOPA एक समांतर चतुर्भुज है, हमें x y और z की माप करनी है। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो ये वाला जो कोण है 70 डिग्री और ये जो ओ वाला कोण है, ये देखो यहां पर क्या बन रहा है, एक सरल रेखिक युग्म। क्या बन रहा है? सरल रेखिक युग्म। तो लिखेंगे यहां यहां कोण एच ओ पी, कौन सा कोण? एच ओ पी। आप चाहे इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया एम समझ लीजिए। एच ओ पी प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा काटती है तो यहां पर इस प्रतिच्छेदी बिंदु के एक साइड बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से मुझे ओ का मान मिल जाएगा, ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण एच ओ पी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 110 डिग्री। देखो ये 110 डिग्री आ गया तो एक्स भी कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो कोण ई है ये भी कितना होगा? 110 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे आगे कि और कोण एच ओ पी बराबर कोण ई बराबर एक्स बराबर 110 डिग्री। कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये कारण हमें मिल गया। अब देखो जितना कोण, कौन सा कोण? पी एच ई। देखो जितना कोण ये वाला है ये 40 डिग्री है, तो कोण वाय का मान भी कितना होगा? कोण वाय का मान भी 40 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे आगे कोण पी एच ई, कौन सा कोण? पी एच ई वाला, ये वाला कितना है? 40 डिग्री। तो ये वाला कोण, कौन सा कोण? आपका एच पी ओ, ये भी कितना होगा? 40 डिग्री बराबर कोण एच पी ओ बराबर वाई बराबर 40 डिग्री। कारण क्या है? एकांतर को, क्योंकि यहां पर देखो उल्टे जेड की आकृति बन रही है कुछ इस तरह, इस तरह। तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। यहां पर कारण लिखेंगे एकांतर को, कौन सा कोण? एकांतर। अब देखो अब मैं कौन सा कोण निकालना है? अब मैं निकालना है आपका कोण जेड, कौन सा कोण निकालना है? कोण जेड निकालना है।
तो देखो कौन ई एच ओ, ई एच ओ, और ये किसके बराबर होगा? देखो ये बराबर होगा आपके कौन ए, किसके कौन ओ के। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो वाई का मान हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री। इस एम का मान कितना आया था, 110। मैं पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखो यहां पर मैं ले लूंगा त्रिभुज पी ओ एच, त्रिभुज पी ओ एच में आपका जेड प्लस वाई प्लस इसका हम नाम दे देते हैं एम, एम बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुण धर्म से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर हमें जेड ज्ञात करना है, वाई का मान आया था कितना, वाई का मान आया था 40 डिग्री, और एम का मान कितना आया है, 110 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर आपका जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो जेड बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। यही आपका अभीष्ट हल है। अतः लिखेंगे, अतः एक्स बराबर कितना आया था, एक्स बराबर आया था आपका 110 डिग्री, वाई बराबर कितना आया, 40 डिग्री, तथा जेड बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यह था आपका प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। देखो निम्न आकृतियों जी यू एन एस, ये पहली आकृति है जी यू एन एस और आर यू एन एस, जो आकृति दूसरे पेज पे दी हुई है प्रश्न संख्या 2 में, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज जी यू एन एस में, समांतर चतुर्भुज जी यू एन एस में, मैं पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो जी यू भुजा एस एन के बराबर होगी और जी एस भुजा किसके बराबर होगी, एन यू के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे आगे कि जी एस भुजा किसके बराबर होगी, यू एन के। लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, और मैं पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, तो आप लिख देंगे सम्मुख भुजा। तो देखो जी एस का मान कितना है, 3x, यू एन का मान कितना है, 18, एक्स का मान 18/3, एक्स का मान कितना आ गया, 6 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह जी यू बराबर होगी एस एन के, यहां भी कारण क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं, और मैं पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहां पर जी यू का मान कितना है, 3y-1 बराबर 26। तो यहां पर 3y माइनस का 1 है उधर जाएगा, तो प्लस का 1, 26 + 1, 3y बराबर 27, y बराबर 27/3, y बराबर 9 सेंटीमीटर, कितना आ गया, y बराबर 9 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 3 सेंटीमीटर, सॉरी x बराबर 6 सेंटीमीटर तथा y बराबर 9 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गया आठवें का पहला। आगे आठवें का दूसरा प्रश्न, यहां पर भी देखो हमें वही नियम लगाना है, लेकिन हमें यहां पर कौन सा नियम लगाना है, अब विकर्ण वाला, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज आर यू एन एस में, समांतर चतुर्भुज आर यू एन एस में,
देखो y प्लस सात यानी कि इसका नाम दे देता हूं मैं O, लिखेंगे ओ यू बराबर होगा ओ एस के, कारण क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ओ यू का मान कितना है y प्लस सेवन और ओ एस का मान कितना है 20। तो y बराबर 20 माइनस सात। आगे देखो y का मान कितना आएगा, 20 में से 7 गया तो 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे इसी तरह देखो ओ एन ये किसके बराबर होगा, ओ आर के। तो आगे लिखेंगे कि ओ एन बराबर ओ आर, तो ओ एन का मान कितना है x प्लस वाई, ओ आर का मान कितना है 16, तो x प्लस वाई का मान कितना आया है 13 बराबर 16। x बराबर 16 में से 13 को घटाना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः x बराबर 3 सेंटीमीटर तथा y बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। दी गई आकृति में R I S K तथा C L U E दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान ज्ञात करके बताना है, x का मान हमें ज्ञात करके बताना है। तो देखो सबसे पहले यहां पर आपको अच्छे से समझना है कि दो चतुर्भुज हैं, एक है R I S K, कौन सा है R I S K। देखो मैं इसको दूसरे रंग से बना देता हूं, ये R I, ये I S और ये आपका K R, ये क्या है, ये आपका एक अलग चतुर्भुज है, ठीक है R I S K। वही देखो वही दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका C L U E, ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज R I S K की, इसकी बात कर रहे हैं R I S K की, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज R I S K में, ठीक है। देखो जितना कोण R I S होगा, जितना कोण ये R I S है उतना का उतना क्या होगा, कोण आपका होगा कौन सा, कोण K। तो यहां पर लिखेंगे कि जितना कोण R I S है उतना का उतना कोण K है बराबर 120 डिग्री। कारण क्या है, कारण है सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आगे देखो ये देखो हमारे पास आई का मान कितना आ गया 120 डिग्री। अब इस आई के जो पास वाला कोण है इसको मैं क्या दे देता हूं, कोण एम, क्या दे देता हूं कोण एम। तो यहां पर देखो कोण एम प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कारण क्या है, कारण लिखेंगे आपका रैखिक युग्म, क्योंकि एक सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा क्या कर रही है, काट रही है, तो कारण लिख दिया रैखिक युग्म। यहां से कोण एम का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, ये एम का मान कितना आ गया इधर 60 डिग्री। अब देखो अब आगे और हमने क्या किया, सबसे पहले देखो
कि कौन के किसके बराबर था, कौन आई के, तो ये 120 था तो ये भी 120 हो गया। अब ये 120 है तो ये इसका जो संगत कोण है वो कितना होगा, 60 डिग्री का, ये हमें पता लग गया। अब देखो, अब ये हमने दे दिया एम, इसको दे देता हूं मैं एन, तो क्या नाम दे देता हूं, एन। अब यहां पर तीन कोण बन गए, एम एन और ये कोण सी, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो कोण सी है, कोण सी है वो किसके बराबर होगा, कोण एल के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण एल के बराबर होगा। कारण क्या है, कारण है ये संगत कोण है। यहां पर देखो जो ये वाला कोण बन रहा है सी के अंदर वाला कोण है ना, ये कोण और आपका कोण एल, ये दोनों कौन से होंगे, संगत कोण। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे कौन सा कोण, कोण ई सी और आपका ई सी आई, ई सी आई ये वाला कोण, ये जो सी के अंदर की तरफ बन रहा है ना ये वाला कोण, बराबर होगा कोण एल के। क्यों बराबर में 70 डिग्री, कारण लिखेंगे संगत कोण। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे हम संगत कोण, क्योंकि यहां पर दो समांतर रेखाओं को एक दूसरी रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके एक भाग में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। देखो यहां पर ऐसी स्थिति है, ये है ना, और ये वाली स्थिति, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कोण L है और ये कोण, ये बिंदु कौन सा है, C बिंदु, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब देखो यहां पर ये त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज में देखो M N और आपका कौन सा कोण, E C I वाला कोण। तो यहां पर आगे लिखेंगे M प्लस N प्लस कोण ई सी आई बराबर कितना, बराबर आपका 180 डिग्री। कारण लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। अभी मैं वापिस समझाऊंगा आपको, आपको टेंशन मत लें। देखो एम का मान कितना आया था, 60 डिग्री, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और ईसीआई का मान कितना आया है, 70 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। एन प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एन बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एन बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी देखो यहां पर ये जो ये स्थिति है इसके अंदर ये वाला कोण कितना आया, 60, ये कितना आ गया, 70, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, अब मैं किसका मान निकालना था, x का, किसका मान निकालना था, x का, सॉरी n का मान कितना आया है, 50 आया, इधर 50 आया, इधर कितना आया, 70। यहां पर देखो ये 60 है, ये 70 है, और ये कितना है, 50, तो ये 50 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। तो आगे लिखेंगे कि तथा x बराबर n बराबर 50 डिग्री, कारण क्या है, सिरसा विमुख कोण, सिरसा विमुख कोण, और यही हमें हल करके बताना था। देखो इस प्रश्न को मैं फिर से समझाता हूं, बिल्कुल सरल है। देखो सबसे पहले कोण के किसके बराबर होगा, कोण i के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 120 हो गया तो ये भी 120 हो गया। अब देखो यहां पर क्या स्थिति बन रही है, ये इस तरह की, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, इसको हमने क्या नाम दे दिया, m, m का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक, अब देखो दूसरी स्थिति यहां पर बन रही है, ये e है, ये c है, और इधर क्या है, u, तो जो l कोण है वो इस वाले कोण के क्या है, संगत, क्योंकि देखो दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी सरल रेखा काट रही है, तो इसके एक तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। तो जितना कोण L है
उतना का उतना कोण ये वाला है, ये वाला जो 70 डिग्री हमने निकालना है ना, इसका नाम अगर आप देना चाहो, जैसे मैंने दे दिया कि कोई भी दे दिया एम एंड पी दे दिया, तो ये पी कोण, ये पी कितना है 70 आ गया, किसके बराबर, एल के बराबर, ठीक है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो कोण आ गए इस त्रिभुज के अंदर, ऐसी स्थिति बन रही है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक कोण आ गया 60, दूसरा आ गया 70, तो तीसरा हमने क्या निकाल दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 है, ये 70 है, तो कितना होगा 50 होगा, और ये 50 है तो एक्स भी कितना होगा 50, क्योंकि कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह काटती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह हमें यहां पर एक्स का मान मिल गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका 10, कौन सा प्रश्न संख्या 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, क्योंकि आपके समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि समांतर भुजाओं का कम से कम एक युग्म कैसा होता है, आपका भुजाओं का एक युग्म कम से कम समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म कम से कम समांतर होता है। देखें सॉल्यूशन यहां पर क्या दिया हुआ है, तो यहां कोण एम प्लस कोण एल बराबर 100 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, कोण एम 100 डिग्री है, एल बराबर 80 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, यहां से मैं पता लगा कि आसन्न कोण क्या है, संपूरक है, अगल बगल के कोण का योग कितना है, 180 डिग्री, तो आसन्न कोण कैसे है, संपूरक है, आसन्न कोण संपूरक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री, और जब आसन्न कोण संपूरक है तो अतः आपकी एन एम और के एल कैसी होगी, ये आपकी होगी समांतर, कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, एन एम भुजा और के एल भुजा क्या होगी, समांतर होगी, अतः के एल एम एन क्या है, एक समलंब है। आगे समझ में, हमने क्या समझा कि देखो कोण एम और कोण एल इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180, यानी ये दोनों कौन से कोण है, आसन्न कोण है, और यदि आसन्न कोण संपूरक है तो आसन्न कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी होगी, समांतर होगी। तो आसन्न कोण को कौन कौन सी भुजा बना रही है, के एल भुजा और इधर एन एम भुजा, तो एन एम भुजा के एल भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, एन एम समांतर होगी किसके, के एल के। और यदि भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसका मतलब वो कौन सा चतुर्भुज है, इसका मतलब वो आपका एक समलंब चतुर्भुज है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 11, आकृति में कोण सी का मान ज्ञात करना है, यदि ए बी भुजा डीसी के क्या है, समांतर, ए बी भुजा किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। तो यहां पर देखो, यहां कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या है, कारण हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी भुजा किसके समांतर है, ए बी भुजा डीसी के समांतर है, अतः इसके जो आसन्न कोण है वो कैसे होंगे, संपूरक होंगे। यदि भुजाएं आपस में समांतर है तो इनके जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे संपूरक। तो यहां पर लिख देंगे, अतः 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, भाई बी की जगह कितना मान रख दिया, 120 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आपका जो कोण सी का मान है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 60 डिग्री। यही हमें हल करके बताना था, जैसा अभी अपने 10वें प्रश्न किया था वैसा का वैसा इधर उल्टा करना है। यहां पर भुजा समांतर दी हुई है तो हमें आसन्न कोण निकालना है, हमें पता है कि जब भुजा समांतर होती है तो उन भुजाओं को बनाने वाले जो आसन्न कोण हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप चाहे तो इधर कारण लिख सकते हैं कि आसन्न कोण कैसे होंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे, इस वजह से दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण ये बी यदि 120 था तो कोण सी कितना आ गया, कोण सी आ गया आपका 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12,
दिया हुआ है आकृति में कोण पी और कोण एस की माप ज्ञात करने की। कौन सा? कोण पी और कोण एस, ये कोण पी है और कोण एस है, इसकी हमें माप निकालनी है। यदि एस पी, एस पी ये भुजा इसके समांतर है, आर क्यू के समांतर है, और लिखा हुआ है कि यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, यहां देखो ये दोनों भुजा कैसी है, समांतर है, इसका मतलब कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, आसन्न कोण संपूरक है। लिखेंगे आसन्न कोण यानी अगल बगल के कोण कैसे हैं, संपूरक है। तो यहां से R का मान, सॉरी P और Q निकालना है, तो यहां से देखो कोण P प्लस Q का मान 130 डिग्री बराबर, R का मान तो 90 डिग्री दिया हुआ है ना, बराबर में 180 डिग्री, तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना आ गया, कोण P बराबर आ गया आपका 50 डिग्री। फिर चूंकि कोण R बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री ये दिया हुआ है, अतः कोण S और कोण R ये दोनों संपूरक कोण है, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, कोण S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहां से कोण S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, कोण S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, P का मान आ गया 50 डिग्री और इसका मान आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक, अब देखो अब आगे कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि भी है, तो वो हम आगे लिख लेते हैं। लिखेंगे कि हां हां कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। कैसे हैं? मैं पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका, वो होता है 360 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे कोण P, कोण Q, कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। लिखेंगे चतुर्भुज के कोण योग गुण धर्म से, चतुर्भुज के कोण योग गुण धर्म से, तो देखो यहां पर हमें कोण P ज्ञात करना है, Q कितना है 130 डिग्री, R कितना है 90 डिग्री और S भी कितना है 90 डिग्री, बराबर में 360 डिग्री, तो कोण P प्लस इन सबको जोड़ दिया कितना आ गया 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री, यही हमें ज्ञात करके बताना। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की इस प्रश्न, आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।